बंगाल में एनआईए टीम पर हुआ हमला मामले में चुनाव आयोग अब सख्त दिखाई दे रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि एनआईए की टीम पर हमला मामले पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई। शनिवार को एनआईए की टीम पूर्व मेदिनीपुर के भूपति नगर में दिसंबर 2022 के विस्फोट के एक मामले में आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद लौट रही थी और उसी दौरान करीब 150 लोगों ने यह अटैक कर दिया, जिसमें एनआईए के एक अधिकारी घायल हुए हैं। वहीं गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से रिपोर्ट तलब की गई है। आपको बताएं कि एनआईए की टीम पर हमला हुआ था। एनआईए की टीम दो बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची थी और तभी 150 की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और एनआईए की टीम पर पत्थरबाजी करने लगे। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और इसी को लेकर अब इलेक्शन कमीशन की ओर से रिपोर्ट तलब की गई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की हैं जबकि पूर्व मेदिनीपुर में पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया गया, एनआईए की टीम पर पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई और अब इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से रिपोर्ट तलब की गई है। पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमला मामले में अभी तक हालांकि आपको बताया कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन ईसी ने रिपोर्ट तलब कर ली है। सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्यों पश्चिम बंगाल में इस तरह से जो जांच एजेंसियां हैं उन पर एक के बाद एक बड़े हमले होते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एनआईए टीम पर हमले के मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। शनिवार को एनआईए की टीम भीड़ ने हमला किया टीम पर और इस दौरान हुए पथराव में एक अधिकारी घायल भी हो गए थे, जबकि जांच एजेंसी की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। एनआईए टीम पर हमला उस वक्त हुआ जब टीम पूर्वी मेदिनीपुर में साल 2022 के विस्फोट के मामले में दो प्रमुख साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। वहीं बीजेपी ने एनआईए की टीम पर हमले के मामले में ममता सरकार को घेरा है। उधर बंगाल के गवर्नर ने भी मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। तो एनआईए की टीम पर अटैक मामले में बीजेपी ने एनआईए की टीम पर हमले के मामले में ममता सरकार को घेरा और उधर आपको बताया कि बंगाल के गवर्नर ने भी मामले में कड़ी कार्रवाई की बात की है, क्योंकि इससे पहले संदेश खाली और उससे भी पहले जब शाहजहां शेख को ईडी की टीम गिरफ्तार करने पहुंची थी तब भी इसी तरह का वाकया पेश आया था और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि जांच एजेंसियां जब जब किसी की गिरफ्तारी के लिए पहुंचती है और खासकर वो जो टीएमसी का कार्यकर्ता हो या टीएमसी से किसी तरीके से जुड़ा हो तो इस तरह की घटनाएं क्यों पेश आती हैं। बंगाल से बार बार इस प्रकार घटना देखने को मिलता है जहां देश विरोधी शक्तियों का हाथ लगता है। संदेश काली में हमने देखा है ईडी के ऑफिसर को घेर करके मारने का प्रयास हुआ क्योंकि किसी एक भ्रष्टाचारी को पकड़ने के लिए गया था। उसी प्रकार भूपति नगर में पूर्व मेदिनीपुर एक ही घटना हुआ है वहाँ भी, और एनआईए ने किसी बॉम्ब विस्फोट के सिलसिले में किसी को पूछने के लिए गया था तो जनता ने घेर कर उनको मारना शुरू किया। ये कोई एक सामान्य घटना नहीं है, अचानक हो गया ऐसा नहीं है, इसके पीछे पूरा योजना है। आई एम अवेयर ऑफ दैट, स्ट्रॉन्ग एक्शन विल बी टेकन। दिस टेंडेंसी ऑफ इंटिमिडेटिंग द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इज डिप्लोरेबल, विल नॉट बी अलाउड, कैन नॉट बी अलाउड, वी विल डील विद इट विद एन आयरन हैंड। और पश्चिम बंगाल में रेड करने गई एनआईए की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। आरोप इस बात का लगा है कि यह हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया है। भीड़ ने एनआईए की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया और आरोपियों को बचाने की कोशिश की है। डंडे लिए महिलाएं, सीआरपीएफ से महिलाओं की धक्का मुक्ति और गाड़ियों के टूटे हुए कांच, ये हाल हुआ है कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद बंगाल में आरोपियों को गिरफ्तार करने गई एनआईए की टीम का। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए बंगाल में जब कोई सेंट्रल एजेंसी कार्रवाई के लिए जाती है तो क्या होता है। गाड़ी के शीशे चकनाचूर कर दिए गए, महिलाओं की भीड़ को सुरक्षा एजेंसियों के सामने खड़ा कर दिया गया और फिर शुरू हुई सेंट्रल एजेंसियों की कस्टडी से आरोपियों को बचाने की कवायद। इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे, क्या इस भीड़ के दिल में आपको जरा सा भी कानून का डर दिखता है?
शायद नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद इन लोगों को पता है कि इनका कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए जब भी पश्चिम बंगाल में केंद्र की कोई भी एजेंसी जाती है तो बवाल होना तय होता है। अब देखिए आखिर बंगाल में इस बार हुए बवाल की जड़ में क्या था। यह मामला 2022 का है। इसी केस के सिलसिले में शुक्रवार को एनआईए की टीम पहुंची थी पूर्वी मिदनापुर के भूपति नगर इलाके में। एनआईए ने केस के सिलसिले में दो मुख्य साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन तभी वो हुआ जिसका डर था। एनआईए टीम पर हमला हो गया। स्थानीय लोग घरों से बाहर निकल आए और एनआईए की टीम का विरोध करने लगे, गिरफ्तार आरोपियों को लेकर जाने से रोकने लगे। जानकारी के मुताबिक इस भीड़ में महिलाएं आगे थीं। महिलाओं ने सीआरपीएफ की महिला कांस्टेबल के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। बात इतने से भी नहीं बनी तो अचानक से पथराव शुरू हो गया और देखिए एनआईए की टीम का हाल क्या हुआ। गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। इस हमले में एक अफसर को चोटें भी आई हैं। बात इतने तक नहीं है। एनआईए ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि 2022 के एक बम धमाकों के मामलों में आरोपी बलाई चरण माइती और मनोव्रत जाना को गिरफ्तार करने वो उस इलाके में पहुंचे थे। दोनों को जैसे ही गिरफ्तार कर वहां से भूपति नगर थाने की तरफ ले जा रहे थे, तभी अचानक वहां पर भीड़ आ गई और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। एनआईए की गाड़ी के आगे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और गाड़ी पर पथराव भी किया। घटना में दो एनआईए के अधिकारी घायल भी हुए हैं और इस मामले में एनआईए की तरफ से भूपति नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। एनआईए टीम पर हमले के मामले में जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो चौंका देने वाला था, जिस पर अब बीजेपी ने ममता के बयान पर पलटवार भी किया है। सुनिए जरा। एनआईए की टीम पर हुए हमले को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल पूछा गया तो ममता ने एनआईए के छापेमारी पर ही सवाल खड़े कर दिए। ममता ने कहा कि बिना बताए छापा मारने की जरूरत क्या थी, क्या एनआईए के पास छापे की अनुमति थी। ममता यही नहीं रुकी। দুজন তৃণমূল কর্মীকে অ্যারেস্ট করেছে এরাই আজকে। कि ममता बनर्जी जी के राज में आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, टेरर माफिया और करप्शन बन चुका है। और इस टेरर माफिया और करप्शन के राज में अर्थात टीएमसी के राज में, टीएमसी का मतलब क्या है, टेरर माफिया और करप्शन के राज में आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बंगाल की कानून व्यवस्था हर रोज एक नए निचले स्तर को छूती है। दक्षिण दिनाजपुर में ममता ने कहा कि एनआईए इलेक्शन से पहले लोगों को गिरफ्तार क्यों कर रही है, क्या बीजेपी को लगता है कि वो हर बूथ एजेंट को गिरफ्तार कर लेंगे। एनआईए की मदद लेकर बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है। दरअसल एनआईए की ये टीम कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर पूर्वी मिदनापुर के भूपति नगर में 2022 में हुए बम धमाके की जांच करने के लिए पहुंची थी। एनआईए ने दो लोगों बोलाई मैती और मानव दत्त जाना को गिरफ्तार किया। एनआईए की टीम पर हुए हमले और ममता के बयान के बाद बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल सरकार पर करारा प्रहार किया। तो पहली बार हुआ है क्या, ईडी पर हमला हुआ कि नहीं, और सोना खाली की सच्चाई सामने आई कि नहीं आई, महिलाएं कितनी तंग होती थी, उनके साथ साथ अमानवीय व्यवहार होता था, और ऐसे एनआईए का हमला हो रहा है क्योंकि आतंकवाद जुड़े लोग पकड़ती है तो हमला होता है, तो क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या आतंकवादी
सबको वहां संरक्षण मिलता है, यही तो है ममता जी का बंगाल। एनआईए की टीम पर हुए हमले के बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोला और कहा कि टीएमसी का देश विरोधी ताकतों से गठबंधन है, ये घटना देश की संप्रभुता पर हमला है। देखिए भूपति नगर में जो घटना घटी है कोई विच्छिन्न घटना नहीं है, ये अलग घटना नहीं है। इससे पहले भी ईडी के ऊपर इसी तरीके से हमला किया गया और एक ही पैटर्न का हमला हो रहा है, जो दिखा रहा है दर्शा रहा है कि प्लानफुली इसे किया जा रहा है और एक ही जगह से इसको प्लानिंग करके कराया जा रहा है। तो इसके पीछे ममता बनर्जी और उनके पूरे टीम का इसमें प्लानिंग है और मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री को बहुत जबरदस्त इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब मामला बीजेपी वर्सेस टीएमसी के झगड़े से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर ऐसे इल्जाम लगा रही हैं जिसमें 2024 की चुनावी बिसात साफ साफ नजर आ रही है। देखिए ये भूपति नगर का जो इंसिडेंट है ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन इसके पीछे एक शतरंज का खेल है जिसका खिलाड़ी है भारतीय जनता पार्टी। उसका संगठन नहीं है, वो सीबीआई, ईडी, एनआईए इसको भेज रहे हैं। अब देखिए ये तो सामने आ गया है कि एनआईए के एक ऑफिसर के पास भाजपा का जो लीडर्स है वो गए थे और पूर्व मेदिनीपुर से लेकर कई जगह कर तृणमूल कांग्रेस का जो लीडरशिप है, बूथ वर्कर्स है, उसका लिस्ट दे दिया गया, उनको उठाइए, उनका सामन कीजिए। ये लोग बोल रहा है कोर्ट से ऑर्डर आया। अरे क्या कोर्ट से ऑर्डर आया? बंगाल के लोगों को मार रहे हैं, खून कर रहे हैं, महिला के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तब मुख्यमंत्री का इतना जलन क्यों हो रहा है, इतना खराब क्यों लग रहा है? वो पक्षपातित्व तो क्यों कर रहे हैं शेख शाहजहान के? और ये जो आज भूपति नगर में जो हुआ वहां पर वो बोल रहे हैं, एक टाइम वो बोले थे कि महिला लोग निकल के आइए, ईडी और सीबीआई को अगर देखते हैं तो घर से हाथा खुंती लाठी मोटी जो भी मिलता है वो लेकर आक्रमण करिए सेंट्रल एजेंसी को। आज जो हुआ है उसका दाय ममता बनर्जी को लेना पड़ेगा और संदेश खाली में भी जो हुआ था उसका भी दाय ममता बनर्जी को लेना पड़ेगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बंगाल में जांच एजेंसी पर हमला इस तरीके से हुआ हो। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में 5 जनवरी को ईडी की टीम पर इसी तरीके से हमला हुआ था। इससे पहले पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में 5 जनवरी को ईडी और सीआरपीएफ की टीम टीएमसी नेता के घर रेड करने पहुंची थी, तब भी भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। करीब 200 लोगों ने जांच एजेंसी के 2 वाहनों में तोड़फोड़ की, इसमें कुछ अफसरों के सिर में चोटें आई थी। ईडी के मुताबिक भीड़ ने अधिकारियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप, नकदी और बटुए छीन लिए। पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख को 29 फरवरी को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शेख की गिरफ्तारी ईडी पर हमले के केस में हुई थी। बंगाल पुलिस ने कहा था कि शेख ईडी अफसरों पर हुए हमले के मुख्य आरोपियों में शामिल था। हमले के बाद शेख 55 दिन तक फरार था। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने जांच सीआईडी को सौंप दी। शेख शाहजहां अब भी सीबीआई की हिरासत में है। बंगाल की कानून व्यवस्था हर रोज एक नए निचले स्तर को छूती है और जिस प्रकार का भय का वातावरण आज पश्चिम बंगाल में अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि में निर्माण हो चुका है, तो वहां पर यदि सेंट्रल एजेंसीज के हमारे जाबाज ऑफिसर्स ही सुरक्षित नहीं है तो वहां पर मां, मानुष और माटी सुरक्षित है क्या? ये बड़ा सवाल, ये चिन्ह आज निर्माण होता है, पैदा होता है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक की राजनीति गर्म हो गई है। साल 2022 के बाद से पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच में घमासान तेज हो चुका है। केंद्रीय जांच एजेंसियों पर हो रहे हमले को लेकर बीजेपी अब आर पार के मूड में आ चुकी है। इसका असर अब की बार के चुनाव पर भी पड़ेगा, ये दोनों पार्टियां जानती हैं और इसी को लेकर दोनों के तेवर एक दूसरे के खिलाफ और खतरनाक हो चुके हैं। Oh,
बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया है। लॉकेट चटर्जी ने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। आरोप ये लगाया कि जब वो बांसबेरिया में एक मंदिर में पूजा करने जा रही थी तो उन्हें टीएमसी के लोगों ने रोक दिया और इसी दौरान कुछ लोगों ने कार के सामने आ गए और उन्हें मंदिर में दर्शन करने जाने से रोकने की कोशिश की। अटैक का आरोप, ये गंभीर आरोप है, लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया और बाकायदा इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। और ये वही वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें लॉकेट चटर्जी की गाड़ी को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है और आरोप लॉकेट चटर्जी का ये है कि ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो टीएमसी के कार्यकर्ता है। देखिए किस तरीके से सफेद कुर्ते में जो शख्स है लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर बार बार जोर से हाथ ठोकता हुआ, हाथ पीटता हुआ नजर आ रहा है। मंदिर में पूजा करने जा रही थी लॉकेट चटर्जी और इसी दौरान लॉकेट चटर्जी की गाड़ी के सामने तमाम टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर उनकी गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की और मंदिर में दर्शन करने जाने, पूजा करने जाने से रोका। वीडियो शेयर किया गया है लॉकेट चटर्जी की ओर से और ये तमाम आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाए गए। और उधर लॉकेट चटर्जी के हमले के आरोप के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि स्थानीय पार्षद शिल्पी चटर्जी के नेतृत्व में टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी सांसद और हुगली लोकसभा सीट से उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की कार पर हमला किया। उस समय वह बांसबेरिया में काली पूजा से लौट रही थी। शिल्पी और उनके गुंडों का गिरोह ऐसा करने का साहस इसलिए कर सकता है क्योंकि वे जानते हैं कि ममता बनर्जी की पुलिस मूक दर्शक बनी रहेगी। यह इस बात का पक्का संकेत है कि टीएमसी फिर से हुगली हार रही है।